देखिए, अभी हम पद परिचय पढ़े, हमने पहले क्या पढ़ा उसके बारे में, कैसे पहचाने उसके नियम पढ़े। इसके बाद आज हम इसको बिल्कुल सरल कर देंगे, कैसे हम पद परिचय को पहचाने। कोई भी पद शब्द दिया है तो उसे कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको संज्ञा आनी चाहिए, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, ये सभी आना जरूरी है। तो हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि संज्ञा, ठीक है, संज्ञा में भी ये भी आपको लिखना होगा कि कौन सी संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है। तो पहला आता है जैसे कि व्यक्तिवाचक। हम ये बता दें कि आपको कि जो भी पृथ्वी पर कोई भी पर्सन है, कुछ भी चीज है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, संज्ञा है। अपने आप में एक संज्ञा है, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, हम हैं, आप लोग हो, कुछ भी हो, ये सब किस में आएगी, संज्ञा में। ये मार्कर है, ये भी संज्ञा, टेबल है, ये भी संज्ञा, हर चीज संज्ञा होती है एक अपने आप। तो पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। तो कोई भी ऐसी चीज है जिसका क्या नाम हो। मैं हूं तो मेरा एक नाम है, आप लोग हो तो आपका एक नाम है, ठीक है। तो जिसका नाम हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, केवल सिंगल, ठीक है। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ठीक है, जैसे आपका अभिषेक, ठीक है, तो अभिषेक एक है, एक पर्सन है। तो एक पर्सन जहां आए वहां जातिवाचक आ जाए। जी, मैंने कहा लड़का, ठीक है, लड़का ये क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का में एक ही आएगा, एक पर्सन, लड़का नाम लिया मैंने, तो वो आ जाए क्या, व्यक्तिवाचक में। और जब हम कहें लड़के, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो वो लड़के क्या, उसकी जाति बता रहा है, लड़के, ठीक है, वो उसकी क्या बता रहा, जाति। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक में, ठीक है। कोई जिसकी जाति बताए बताए तो वो हो जाएगा जातिवाचक। और जो एक सिंगल पर्सन, ठीक है, एक, तो वो हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। मान लो कोई, जैसे हमने कहा हिमा, मतलब पर्वत है, तो हमने कहा हिमालय, तो हिमालय क्या है, एवरेस्ट, केटू, ये क्या है, ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, नाम है ये। और हम कहें पर्वत, पर्वत क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि ये हिमालय, केटू, ये एवरेस्ट सब किस में आते हैं, पर्वतों में आते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है, क्लियर है। ये दो समझ में आ गए, आ गए। अब तीसरा हमारा क्या है, भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, कोई भी हमारे अंदर भाव प्रकट होता है या किसी के कोई भाव हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक, ठीक है। वो उसको हम कभी छू नहीं सकते हैं, भाव केवल फील कर सकते हैं, क्या, केवल फील कर सकते हैं उसे, तो वो हमारे भाववाचक। जैसे कि कहते नहीं हैं कि आपके बहुत भाव बढ़ गए हैं, आपके बहुत भाव बढ़ गए हैं, तो भाव बढ़ना मीन्स बहुत ऊपर पहुंच जाना, ठीक है, तो ऊपर पहुंच जाए, उसे छू तो नहीं सकते भाव को। ऐसे ईमानदारी है, ईमानदारी को छू सकते, नहीं छू सकते ना, वो भाव है। गरीबी है, एक भाव है, ठीक है। तो ये भाव निकल के आते हैं, ये हमारे किस में आ जाते हैं, भाववाचक में, ठीक है, भाववाचक, क्लियर हो गया। अब आइए अपने समूहवाचक में। कोई भी समूह है, समूह जानते हो, ग्रुप, ठीक है, कोई सभा है, जैसे गांव में पंचायत लगती है, तो ऐसे समूह की बात की जाए तो वो किस में आएगा, समूह में, ठीक है। जैसे कि कोई भी है, जैसे कि वहां सभा लगी है, ठीक है, तो सभा आ जाए या कोई समूह के बारे में पूछा जाए तो वो हमारा किस में आएगा, समूहवाचक। अब है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, वो किस में आएगा, द्रव्यवाचक। मार्कर है, ये किस में, द्रव में आएगा। कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी, वो हमारा किस में आएगा, द्रव।
ठीक है, संज्ञा समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम पे आते हैं। सर्वनाम पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तुम, वह, ये, वो, ये सब क्या आ जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। किस में आ जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब दूसरा हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक, निजवाचक से पता चल रहा, निज मीन्स निजी, स्वयं का, निजी। जैसे कह रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा यह मेरा निजी मकान है, यह मेरा निजी पेन है, मतलब स्वयं का मेरा निजी पेन है। तो जिसमें मैं खुद अपने आप, ठीक है, ये शब्द आए वो किसमें आ जाएगा, निजवाचक में, खुद अपने आप, ठीक है, आप और मतलब यही सब निजवाचक में आ जाएंगे। अब निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय से पता चल रहा कि जो चीज निश्चित हो, बिल्कुल 100% श्योर हो कि यह जो बात कर रहा है वही है। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि मैंने ये कहा। अब मैंने कहा यह पेन किसका है, तो ये तो ठीक है, यह निज में नहीं आएगा। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर ये कह रहा है कि ये मेरा है, ये उसका है, ठीक है, या ये मतलब एक निश्चित बात निकले, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक। अब आता है क्या, संबंधवाचक। क्या, संबंधवाचक, संबंध एक दूसरे से संबंध बताते हैं जिसमें, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक। एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे का संबंध बताएं, तो वो किस में आ जाएगा, संबंधवाचक में। अब अनिश्चयवाचक, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अभी हमने निश्चय पढ़ा कि उसमें निश्चित रह जाता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, अब मैंने कुछ कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता है, निश्चित नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, तो वहाँ क्या है, कुछ है, हमें कोई क्लियर पता नहीं है, निश्चित पता नहीं है, वो क्या है, अनिश्चय। मतलब जिसका हमें क्लियर पता ना हो, वो हमारा मालूम ना हो, वो हमारा किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। अब हमारा क्या आता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सभी जानते हैं, कोई भी वाक्य है उसमें पीछे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब हमारे किस में आ जाए, प्रश्नवाचक में। ठीक है, तो ये हमारे सर्वनाम हो गया, समझ में आया सभी को, कोई डाउट। अब है क्या, क्रिया। क्रिया सकर्मक होती है, एक अकर्मक, सकर्मक, सा मीन्स साथ, तो जिसके साथ कर्म हो, ठीक है, जिसमें कर्म पाया जाए वो क्या हो जाएगी, सकर्मक, और जिसमें कर्म ना पाया जाए, जैसे कि राम खाना खाता है, ये हमारे पास क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, खाता है, क्रिया है, और खाना क्या है, कर्म। अब ये देखिए कि ये सवाल निकालिए कि राम क्या खाता है, खाना, राम क्या खाता है, खाना, ये हमारे पास उत्तर निकल रहा कि राम क्या खाता है, खाना। तो ये हमारे कर्म भी है इसमें और क्रिया तो है ही, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सकर्मक, हमें इसमें कर्म मिल रहा है। और हम अगर इसी को हम इतना कहें कि राम खाता है, हैं, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे राम क्या खाता है, पता ही नहीं, क्योंकि हमें कर्म का पता नहीं है, क्या, कर्म का मालूम नहीं है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास कर्म नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है,
तो जहां कर्म पाया जाए तो वो हो जाएगा सकर्मक, और जहां कर्म नहीं पाया जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? अकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक हमें क्रिया भी मालूम चल गई। अब हमारा क्या आता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताए, ठीक है, जो विशेषता बताए वो है हमारा क्या? विशेषण। किसी की भी विशेषता बताए वो हमारा विशेषण है। गुणवाचक, ठीक है, आप हो, ठीक है, पहला हमारा क्या है? गुणवाचक। तो जैसे कि आप हो, हमने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या हो? तुम बहुत सुंदर हो, तो ये सुंदर क्या है? गुण है, गुण है। गाय गोरी है, गाय गोरी तो नहीं होती है, गाय क्या होती है? सफेद या काली, कुछ भी कह लो, तो ये क्या है? उसके गुण हैं। मैंने कहा ये कुत्ता काला है, तो काला उसका क्या है? गुण है। ठीक है, क्या है? गुण है। तो ये गुणवाचक समझ में आ गया, जो उसकी क्या बताया? विशेषता, उसके गुणों के बारे में बताया, जो उसमें खूबी होगी। ठीक है, हमने कहा कि हर्षवर्धन ईमानदार है, ठीक है, तो ईमानदार उसकी क्या है? खूबी है। ठीक है, तो गुण है। अब आता है क्या? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या जो काउंट में आए, ठीक है, जो गिनने के गिनने में आए, जैसे मैंने कहा ये यह चार सेब हैं, तो चार सेब ये किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में है। मैंने कहा कि मेरे पास दो पेन हैं, तो दो किस में आ जाएगा? संख्यावाचक। जहां क्या है? काउंटिंग आए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? संख्यावाचक। ठीक है, अब परिणामवाचक, जहां नापना तौलना है, परिणाम मीन्स जहां नापना और तौलना है। हाँ, तो कोई भी चीज है, जैसे मैंने कहा मैं 2 लीटर तेल लाया, ठीक है, तो 2 लीटर तो ये क्या है? परिणामवाचक। 2 लीटर ये क्या है? परिणामवाचक। मैंने कहा कि मैं 2 किलो चावल लाया, ठीक है, 2 केजी चावल लाया, तो 2 किलोग्राम क्या है ये? परिणामवाचक। ठीक है, तो जहां माप तौल, ठीक है, मैंने कहा कि मैं 6 मीटर कपड़ा लाया, या उसने 6 मीटर कपड़ा दिया, कुछ भी, तो मापना तौलना ये जहां आ जाए तो वो परिणामवाचक होगा, और जहां काउंटिंग मतलब गिनना आ जाए कोई भी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। अब हमारा ये आता है क्या? सार्वनामक। इसे अच्छे से समझो, सार्वनामक क्या होता है? जैसे सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है? सार्वनाम है। ठीक है, तो सार्वनाम में क्या होगा कि मैंने कहा कोई भी शब्द ले लो कि साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो ये साइकिल चला रहा है एक क्या है? संज्ञा है। साइकिल ये संज्ञा है। ठीक है, अब मैंने यहां क्या कह दिया? वह लगा दिया। क्या लगा दिया? वह, तो वह साइकिल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनाम है। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के आगे या पीछे जुड़कर, ठीक है, उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या होते हैं? सार्वनाम। संज्ञा है कोई, उसके आगे लग जाएगा या उसके पीछे लग जाएगा और उसका अर्थ बदल देगा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? सार्वनामक। ठीक है, समझ में आया? कोई भी शब्द है वो अगर संज्ञा के पीछे आगे लगता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा? सार्वनामक। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब हमारा क्या है, लिंग, ठीक है। तो लिंग सभी जानते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है, पुरुष, पुरुष, ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि मैं ऑफिस जाता हूँ, क्या है बात, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो क्या है इसमें, जाता ता, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। और हमने क्या कर दिया इसमें, ती कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पहचानना है ये क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कोई भी, ये तो आसानी तरीके से आप पहचान लोगे, ठीक है। कोई भी बात है, जैसे राम आ गया, ठीक है, राम आ गया, तो क्या सीधी सी बात है कि राम है, एक पुरुष का नाम है, तो पुल्लिंग। और मैंने यहाँ गीता लिख दिया, तो गीता समझ ही लोगे क्या है, गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, पहले ही समझ लोगे। और हमें आगे भी क्या लिखना पड़ेगा, गीता खाना खाती है, क्या खाती है, हमें तो लिख नहीं देंगे, गीता खाना खाता है, लिख देंगे क्या, गीता खाना खाता है, ये तो लिखेंगे नहीं, हमें स्त्रीलिंग है तो उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, गीता खाना खाती है, मैं ऑफिस जाती हूँ और या जाता हूँ, कुछ भी जो भी होगा, तो वो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आ जाएगा। अब देखिए वचन, वचन आ जाते हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, एक वचन में सिंगल पर्सन, ठीक है, एक वचन है, और बहुवचन में क्या, समूह आ जाए, क्या आ जाए, समूह, बहुत सारे लोगों की बात की जाए, बच्चों की बात की, जैसे अपन ने कहा बच्चों की, ठीक है, और कोई भी समूह है, जैसे कि मैंने कहा विभीषण, ये क्या है, ये क्या है, एक वचन है, ये हमारा एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। और अब इसी में पूछा गया कौन सी संज्ञा है विभीषण, कौन सी संज्ञा होगी, ये हमारी संज्ञा है कौन सी, व्यक्तिवाचक। और जैसे कहते हैं कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषणों, हमने क्या कर दिया, विभीषणों, कहते नहीं कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषणों किसे कहा जाता, जो अपने भाई को दगा दे, ठीक है, अपने भाई से गद्दारी करे, वो विभीषण, ठीक है। तो विभीषणों किस में आ जाएगा, ये हमारा किस में, जातिवाचक में, संज्ञा पूछे जातिवाचक में आ जाएगा विभीषणों, विभीषण था तो एक नाम था सिंगल, विभीषणों में उसकी जाति होगी ना बहुत सा, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। यहाँ वचन पूछा जाए तो वो किस में आ जाएगा, बहुवचन, ठीक है, समझ में आया, ये हमारे वचन हो गए। अब आते हैं काल, ठीक है, क्या काल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। वर्तमान काल में जो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी की, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है, खा रहा हूँ अभी, तो ये क्या है, प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। और मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, तो वो क्या है, ठीक है। और मैंने कहा कि मैंने खाना खाया था,
तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो ऐसे बात देखो, जैसे कि वर्तमान में है तो वर्तमान में है, ठीक है, क्या हूँ, और इसमें भूतकाल में क्या आएगा? भूतकाल था, और भविष्य में गा। ये ध्यान रखना, अगर पीछे गा है तो वो भविष्य काल में होगा, और अगर भूतकाल में है तो वो उसके पीछे क्या था होगा, इसके बाद है या हूँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? काल हो गए। तीनों काल समझ में आ गए। अब हमारा आता है क्या? कारक। कारक तो कारक सभी ने पहले पढ़े हैं, ठीक है, करताना है, ठीक है, ये सब। तो जैसे कि उदाहरण देते हैं, मैंने कहा बच्चा छत से कूद गया, गया, ठीक है, बच्चा छत से कूद गया, कूद गया। तो ये बताइए, बच्चा है छत से, ठीक है, कूद गया, बच्चा नहीं कूदेगा, बच्चा क्या होगा? गिरेगा, क्योंकि बच्चे कूदते नहीं हैं, ठीक है, अच्छा, हाँ, कूदते कौन है? लड़के, 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 बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? मासूम होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन लड़के होते हैं वो कूद जाते हैं, वो उद्यमी होते हैं। तो इसे हम क्या, इसको वाक्य को सही करेंगे, वो क्या लिखेंगे? बच्चा छत से गिर गया, गिर गया, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएगा? से क्या है? अपादान, अलग कर रहा ना छत से, तो क्या है? अपादान, ठीक है। ये उदाहरण के हिसाब से हमें समझ में आ गया। जैसा कि अब इसमें सभी में क्या होते हैं? अपने अपने एक चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से मतलब के द्वारा, और संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे और भू, ये सब इसके चिन्ह होते हैं। तो मतलब ऐसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कर्ता ने वाला, कर्म को वाला, करण से वाले आ जाए, संप्रदान के लिए एक दूसरे, अपादान से अलग करने के लिए, संबंध एक दूसरे का बताए का इसका, और अधिकरण में पर आ जाए, ठीक है, और संबोधन अरे हे अचानक वाले विस्मय अधिभूत वाले जैसे आते हैं, तो वैसे वो संबोधन हो जाएगा। तो ऐसे देखो, हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन काल का। अब ये देखो, कोई भी पूछा जाता है, कोई भी पद परिचय आता है, तो पद परिचय में क्या होता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये कितने? चार हैं। चार में से हमेशा एक ही पूछा जाता है, इनमें से एक, और ये फिर बताना ही पड़ता है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, कारक कौन सा है। अगर आपको कारक नहीं आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वो लिखो, जितनी आपको परफेक्ट तरीके से बिल्कुल श्योर हो कि हाँ हमें ये इसमें है और हमें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है तो आप लिखेंगे, नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि आप डाउट में हैं और आप गलत लिख दें तो वहाँ नंबर कट सकता है आपका, लेकिन नहीं लिखेंगे तो वहाँ नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इनमें से एक पूछा जाएगा, मतलब एक को ही लिखना पड़ेगा कि संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, नहीं, और फिर ये आपको लिख ही देना है, ठीक है। तो ये हमारा पद परिचय आज कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है।